महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर जयपुर के 22 गोदाम स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके दिए गए योगदान को याद किया। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉ बीडी कल्ला, सुखराम विश्नोई, उप महापौर नगर निगम ग्रेटर पुनीत कर्णावट, चिड़ावा नगर पालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी सहित कई गणमान्य लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम सब चलें और समाज सुधार के लिए समाज में जो पीछे रहेगा उसको साथ लेकर आएं और सबके लिए शिक्षा का रास्ता हो, आगे बढ़ने का रास्ता हो, ऐसा रास्ता हो जिसमें सबको रोशनी की चमक मिले। ज्योतिबा फुले जी ने जो रूढ़ियों के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ काम किया वो निश्चित रूप से हमारे समाज सुधार का एक बहुत बड़ा कदम था, इसलिए आज के दिन हम उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। ये बताए हुए मार्ग पर चलने का हम सब लोग प्रयास करें, ऐसा मैं सभी से कहना चाहता हूँ। महान समाज सुधारक और समानता और नारी शिक्षा में अपना योगदान देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महात्मा फुले के नाम से बोर्ड गठन किया और आज जो सार्वजनिक रूप से